नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। 29 मार्च 2020 से क्रिकेट का महासंग्राम यानी आईपीएल 2020 की शुरुआत होने के लिए जा रही है और आईपीएल 2020 का पहला मुकाबला पिछले साल फाइनल्स में क्वालिफाई की गई टीमें यानी चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाना है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2020 के लिए सभी टीमों की फाइनल एंड परफेक्ट प्लेइंग 11 के बारे में, क्योंकि आईपीएल 2020 मिनी ऑक्शंस के दौरान सभी टीमों ने काफी नए नए खिलाड़ियों अपनी टीमों में खरीदा है, जिसके बाद सभी टीमों की प्लेइंग 11 यहां पर पूरी तरह से बदलने वाली है। और इस वीडियो में हम वन बाय वन सभी टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बात करेंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और यदि आप भी कर रहे हैं आईपीएल 2020 का बेसब्री से इंतजार, तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीएल के इस सीजन की, तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इस सीजन की शुरुआत 29 मार्च से होने वाली है। 24 मई को आईपीएल 2020 का फाइनल खेला जाएगा और इस बार के आईपीएल में हमें केवल 5 बार ही डबल हेडर यानी एक दिन में 2 मैच देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आईपीएल 2020 के लिए सभी टीमों की फाइनल एंड परफेक्ट प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, जिन्होंने आईपीएल 2020 मिनी ऑक्शंस के दौरान कुल 9 नए खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया था, जो है आरोन फिंच, क्रिस मॉरिस, वरुण चक्रवर्ती, जोश फिलिप्स, केन रिचर्डसन, पवन देशपांडे, डेल स्टेन, शाहबाज अहमद और इशुरू उडाना। और इन 9 खिलाड़ियों को शामिल करने के बाद आईपीएल 2020 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की प्लेइंग 11 पूरी तरह से बदली हुई नजर आने वाली है। चलिए बात करते हैं आरसीबी की प्लेइंग 11 की, तो आरसीबी की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे पार्थिव पटेल के साथ आरोन फिंच, नंबर 3 पर आएंगे कप्तान विराट कोहली, नंबर 4 पर एबी डिविलियर्स, नंबर 5 पर शिवम दुबे, नंबर 6 पर क्रिस मॉरिस या फिर मोइन अली को ये खिलाड़ी खेलने वाला है, नंबर 7 पर आएंगे वॉशिंगटन सुंदर, नंबर 8 पर डेल स्टेन, नंबर 9 पर उमेश यादव, नंबर 10 पर नवदीप सैनी और नंबर 11 पर युजवेंद्र चहल। उसके बाद हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस की, तो आईपीएल 2020 मिनी ऑक्शंस के दौरान मुंबई इंडियंस की टीम ने अपनी टीम में कुल 6 नए खिलाड़ियों को शामिल किया था, जो है क्रिस लिन, कुल्टर नाइल, सौरभ तिवारी, मोशिन खान, दिग्विजय देशमुख और बलवंत राय सिंह। और इन 6 खिलाड़ियों को शामिल करने के साथ ही मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में भी हमें काफी बदलाव देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की, तो मुंबई इंडियंस की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे रोहित शर्मा के साथ क्वेंटम डिकोक या फिर क्रिस लिन। ये बड़ी दिक्कत मुंबई इंडियंस के लिए होने वाली है, लेकिन मेरे ख्याल से यहां पर डिकोक रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने वाले हैं। नंबर 3 पर आएंगे सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पर ईशान किशन, नंबर 5 पर किरण पोलार्ड, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर कृणाल पांड्या, नंबर 8 पर राहुल चहर, नंबर 9 पर जसप्रीत बुमराह, नंबर 10 पर ट्रेंट बोल्ट या फिर कुल्टर नाइल को एक दिखेगा और नंबर 11 पर लसित मलिंगा। तो कुछ ऐसी होने वाली है मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11। उसके बाद हम बात करते हैं किंग्स 11 पंजाब की प्लेइंग 11 के बारे में, तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आईपीएल 2020 मिनी ऑक्शंस के दौरान किंग्स 11 पंजाब की टीम ने कुल 9 नए खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया था, जो है ग्लेन मैक्सवेल, सेल्डन कोडरेल, दीपक हुड्डा, ईशान पोरेल, रवि बिश्नोई, जेम्स निशम, क्रिस जॉर्डन, तरजिंदर ढिल्लो और परब सिमरन सिंह। और इन 9 खिलाड़ियों को शामिल करने के साथ ही आईपीएल 2020 में किंग्स 11 पंजाब की प्लेइंग 11 पूरी तरह से बदली हुई नजर आने वाली। चलिए बात करते हैं पंजाब की प्लेइंग 11 के बारे में, तो पंजाब की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे क्रिस गेल के साथ केएल राहुल, नंबर 3 पर आएंगे मयंक अग्रवाल, नंबर 4 पर आएंगे मनदीप सिंह, नंबर 5 पर ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 6 पर कृष्णप्पा गौथम, नंबर 7 पर जेम्स निशम, नंबर 8 पर दीपक हुड्डा, नंबर 9 पर मोहम्मद शमी, नंबर 10 पर सेल्डन कोटरेल और नंबर 11 पर मुर्गन अश्विन। तो कुछ ऐसी होने वाली है आईपीएल 2020 में पंजाब की प्लेइंग 11। उसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की, तो आईपीएल 2020 मिनी ऑक्शंस के दौरान दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपनी टीम में कुल 8 नए और खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया था, जिनको शामिल करने के बाद आईपीएल 2020 में दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 पूरी तरह से बदली हुई नजर आने वाली है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उन 8 खिलाड़ियों की जिनको इन्होंने ऑक्शंस के दौरान खरीदा था, तो वो है जैसन रॉय, क्रिस वोक्स, एलेक्स कैरी, सिमरन हेटमायर, मोहित शर्मा, तुषार देशपांडे, मार्कस टोइनिस और ललित यादव। और बात करते हैं यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की, तो ओपनिंग करने उतरेंगे शिखर धवन के साथ पृथ्वी शो, नंबर 3 पर आएंगे अजिंक्य रहाणे, नंबर 4 पर सुरेश अय्यर, नंबर 5 पर सिमरन हेटमायर, नंबर 6 पर ऋषभ पंत, नंबर 7 पर रविचंद्रन अश्विन, नंबर 8 पर अमित मिश्रा, नंबर 9 पर कगिशो रबाडा, नंबर 10 पर ईशांत शर्मा और नंबर 11 पर संदीप लामिझाने। तो कुछ ऐसी होने वाली है आईपीएल 2020 में दिल्ली
दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11। उसके बाद हम बात करते हैं तीन बार आईपीएल का टाइटल अपने नाम कर चुके महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में, जिन्होंने आईपीएल 2020 मिनी ऑक्शंस के दौरान सबसे कम खिलाड़ियों को खरीदा था। केवल चार ही खिलाड़ियों को इस टीम ने खरीदा था, जो है सैम कुरन, पीयूष चावला, जोश हेजलवुड और आर शाही किशोर। चलिए अब हम बात करते हैं आईपीएल 2020 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 के बारे में। तो ओपनिंग करने उतरेंगे शेन वॉटसन के साथ फाफ डुप्लेसिस, नंबर तीन पर आएंगे सुरेश रैना, नंबर चार पर अंबाती रायडू, नंबर पांच पर महेंद्र सिंह धोनी, नंबर छह पर केदार जाधव, नंबर सात पर रविंदर जडेजा, नंबर आठ पर डीजे ब्रावो, नंबर नौ पर इमरान ताहिर, नंबर दस पर दीपक चहर और नंबर ग्यारह पर पीयूष चावला या फिर हरभजन सिंह बज्जी, दोनों में से कोई एक खिलाड़ी हमें खेलता हुआ दिखाई देने वाला है। तो कुछ ऐसी होने वाली आईपीएल 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11। उसके बाद हम बात करते हैं दिनेश कार्तिक की कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में, जिन्होंने आईपीएल 2020 मिनी ऑक्शंस के दौरान अपनी टीम में कुल 8 नए खिलाड़ियों को शामिल किया था, जिनमें काफी युवा खिलाड़ी भी थे। जो 8 खिलाड़ी है वो है इयोन मोर्गन, पैट कमिंस, सिद्धार्थ मणिमारन, क्रिस ग्रीन, टॉम बेंटन, प्रवीण तांबे, निखिल नायक और राहुल त्रिपाठी। और इन 8 खिलाड़ियों को शामिल करने के बाद आईपीएल 2020 में कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 पूरी तरह से बदली हुई नजर आने वाली है। चलिए बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 के बारे में। तो केकेआर की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे शुभमन गिल के साथ सिद्धेश लाड, नंबर तीन पर आएंगे नीतीश राणा, नंबर चार पर इंग्लैंड की कैप्टन इयोन मोर्गन, नंबर पांच पर रिंकू सिंह, नंबर छह पर कप्तान दिनेश कार्तिक, नंबर सात पर एंड्री रसल, नंबर आठ पर पैट कमिंस, नंबर नौ पर सुनील नारायण, नंबर दस पर कुलदीप यादव और नंबर ग्यारह पर शिवम मावी। तो कुछ ऐसी प्लेइंग 11 हमें आईपीएल 2020 में शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स की दिखाई देने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। तो आईपीएल 2020 मिनी ऑक्शंस के दौरान सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने कुल 7 नए खिलाड़ियों को खरीदा था, जो है विराट सिंह, प्रियम गर्ग, मिशेल मार्स, बी संदीप, फेवियन एलन, अब्दुल समाद और संजय यादव। और इन 7 खिलाड़ियों को शामिल करने के बाद भी सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में हमें कुछ खास यहां पर बदलाव देखने को नहीं मिलने वाले हैं। चलिए बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 के बारे में। तो इस टीम की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे डेविड वॉर्नर के साथ जोनी बेयरस्टो, नंबर 3 पर आएंगे केन विलियमसन, नंबर 4 पर मनीष पांडे, नंबर 5 पर विजय शंकर, नंबर 6 पर अभिषेक शर्मा, नंबर 7 पर राशिद खान, नंबर 8 पर भुवनेश्वर कुमार, नंबर 9 पर सिद्धार्थ कोल, नंबर 10 पर शाहबाज नदीम और नंबर 11 पर बसिल थम्पी। तो कुछ ऐसी प्लेइंग 11 हमें सनराइजर्स हैदराबाद के आईपीएल 2020 के दौरान देखने को मिलेगी, जहां पर इस टीम के बहुत ही शानदार ऑलराउंडर मोहम्मद नबी की भी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन पा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं अंत में राजस्थान रॉयल्स की। तो आईपीएल 2020 मिनी ऑक्शंस के दौरान राजस्थान रॉयल्स की टीम ने सबसे ज्यादा 10 खिलाड़ियों को खरीदा था, जिनमें काफी बड़े बड़े वाइज भी थे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उन 10 खिलाड़ियों की जिनको इन्होंने आईपीएल 2020 मिनी ऑक्शंस के दौरान खरीदा था, जो है रोबिन उथप्पा, जयदेव उनादकट, यशस्वी जायसवाल, अनुज रावत, कार्तिक त्यागी, डेविड मिलर, ओसेन थॉमस, अनिरुद्ध जोशी, एंड्रू टाइयो, टॉम कुरन। ये 10 खिलाड़ी है जिनको इन्होंने आईपीएल 2020 ऑक्शंस के दौरान खरीदा था। और इन 10 खिलाड़ियों को शामिल करने के बाद आईपीएल 2020 में राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 पूरी तरह से बदली हुई नजर आने वाली है, और साथ ही साथ यहां पर काफी मजबूत भी यह टीम नजर आ रही है। चलिए बात करते हैं प्लेइंग 11 की। तो इस टीम की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे जोश बटलर के साथ मनन वोहरा, नंबर 3 पर आएंगे स्टीवन स्मिथ, नंबर 4 पर रोबिन उथप्पा, नंबर 5 पर बेन स्टोक्स, नंबर 6 पर रियान प्रयाग, नंबर 7 पर सुरेश गोपाल, नंबर 8 पर जोफ्रा आर्चर, नंबर 9 पर वरुण आरोन, नंबर 10 पर महिपाल लोमरोर और नंबर 11 पर जयदेव उनादकट। तो कुछ ऐसी होने वाली आईपीएल 2020 में राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11। तो हमने 8 टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में यहां पर बात कर ली है। सभी टीमों की प्लेइंग 11 यहां पर पूरी तरह से टोटली बदल चुकी है। सभी टीमों की प्लेइंग 11 में हमें बहुत सारे चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिले हैं। जहां पर एक तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम हर बार आईपीएल में कमजोर नजर आती थी, लेकिन इस बार ऑक्शन के दौरान उन्होंने काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को खरीदा, जिस दौरान आईपीएल 2020 में राजस्थान रॉयल्स की टीम काफी मजबूत हो गई है और आईपीएल 2020 का टाइटल भी अपने नाम कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जो अपना पहला आईपीएल का टाइटल जीतने के लिए इंतजार कर रही है, उस टीम में भी बहुत सारे चौंकाने वाले बदलाव हुए हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को इन्होंने ऑक्शन के दौरान खरीदा, जिसके चलते मुझे ऐसा लग रहा है कि आईपीएल 2020 की सबसे मजबूत टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बन गई है। और जो प्लेइंग 11 वो कहीं ना कहीं हर टीम
पर काफी ज्यादा हैवी पड़ने वाली है। जो अनचेंज्ड 11 है वो है चेन्नई सुपर किंग्स की, जिन्होंने वैसे तो आईपीएल 2020 ऑक्शन के दौरान चार खिलाड़ी को खरीदा था, लेकिन उनमें से एक दो खिलाड़ी को ही प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी। बाकी वही प्लेइंग 11 सीएसके की होने वाली है जो इनकी यहां पर आईपीएल 2019 में थी। तो हमने यहां पर सभी टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में बात कर ली है, लेकिन आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी आईपीएल 2020 का टाइटल, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.